तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने कल बताया था, जिसके अंदर बताया था 852 डेज में एक नया अपडेट आया, या बोल सकते हैं मार्च का 2024 का एक नया अपडेट आया था। आज मैं आपको उसी अपडेट के रिव्यू करके बताने वाला हूं कि उस अपडेट के बाद क्या मुझे लग रहा है कि मेरे सैमसंग गैलेक्सी में ये चीज हुआ है और क्या चीज उसमें प्रॉब्लम लग रही है या क्या इंप्रूवमेंट लग रहा है, सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट या सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैंने आपको कल के अपडेट के बारे में बताया था कि कल मैंने ये अपडेट किया था। आप देख सकते हैं 23 मार्च 2024 को 10:30 बजे मैंने इसको अपडेट किया था। लगभग हो चुके हैं मेरे को 24 घंटे हो चुके हैं, और इस अपडेट में वैसा रिसेंटली कोई नया चेंजेस नहीं था, या नया कोई यूआई में या फिर किसी चीज़ में चेंज नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी को अपडेट किया गया था। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, बात करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस अपडेट के बाद परफॉर्मेंस में, अगर आप मैं यहाँ पर दिखाऊं, आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं ये कैसी चल रही है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर परफॉर्मेंस में इश्यूज लगा है, ये आपको खुद ही देख रहा होगा। आप परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं मुझे बहुत सारे इश्यूज लगे, जैसे कि गैलरी की फोटोज है तो इतनी जल्दी वो खुली नहीं रही है। अगर मैं उसको फटाक से नीचे ले जाऊं तो उसको ओपन होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है पहले की अपेक्षा, और अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं और खुलने का जो आपका टाइम है ना, आपको उसमें भी दिख रहा होगा कि थोड़ा सा इश्यूज लग रहे हैं। अगर मैं इसमें 2-4 एप्लीकेशन इकट्ठी से रनिंग कर दूं तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे इश्यूज आपको लग रहे होंगे, और अगर आप यहाँ पर स्वैप वैप करके चलाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और एक चीज़ और मुझे लगी, हीटिंग की प्रॉब्लम। अपडेट होने के बाद मेरा मोबाइल पहले से ज़्यादा हीट हो रहा है, हीटिंग की प्रॉब्लम मुझे इसमें लगी है, हीट ज़्यादा हो रहा है। एक प्रॉब्लम और लगी इसके बाद, जो कि है बैटरी की। बैटरी पहले ज़्यादा अच्छी चल रही थी, अब बहुत कम चल रही है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही इसको लगभग 100 किया था और वो 2-3 बजे तक 30% पे आ गई थी। तो बैटरी का यहाँ पर इशू है, और उसमें मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था, ना कॉलिंग ना कोई नेट ना कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, उसके बाद भी वो 92% पे आ गई थी और थोड़ी 30% पे आ गई थी। मैं आपको चाहे दिखाऊं तो सेटिंग्स में आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद बैटरी में देखेंगे, बैटरी में आने के बाद मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर टुडे का। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में चार्ज किया था 12 बजे, और फिर मुझे यहाँ पर चार्ज करना पड़ा 62%, नहीं तो वो चल ही नहीं रही थी। मुझे 3-4 बजे फिर यहाँ पर चार्ज करना पड़ा, नहीं तो वो मेरा चल नहीं रहा था। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन टाइम और स्क्रीन यूजेस, और नॉर्मल मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, उसके बाद भी यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग का मुझे इशू लगा इस अपडेट के बाद। जहाँ जहाँ ग्रीन लग रहा है वहाँ मैंने चार्ज किया है, और जहाँ बीच में यूज़ नहीं किया वहाँ बैटरी ड्रेन होती है आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैटरी यहाँ पर ड्रेन होती हुई आपको दिख रही है, एक चीज़ ये लगी। और उसके बाद एक चीज़ और लगी, बहुत सारे जो ऐप्स हैं ना बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं और वो बहुत दिक्कत दे रहे हैं। तो मैं आपको जैसा कि बताऊँ, मैं आपको ले गया हूँ यहाँ पर, मैं जा रहा है आपको डिवाइस केयर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर बैटरी एंड बैटरी वाले ऑप्शन पे। बैटरी वाले में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर प्रोडक्ट यूजेज लिमिट में, और यहाँ पर आप देखेंगे कितने ज़्यादा ऐप जो ऑटोमेटिक यहाँ पर चल रही है, ऑटोमेटिक वो बहुत ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड में रन हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही है, या इस अपडेट की वजह से मुझे तो बैटरी ड्रेन का सबसे बड़ा बग लगा। बाकी ओवरऑल ऐसा कोई इशू नहीं है, ओवरऑल तो सही चल रही है, ओवरऑल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा एक्सपीरियंस भी सही है, कैमरे में भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉलिंग भी अच्छी चल रही है, कनेक्टिविटी भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है, बट बैटरी ड्रेनिंग और थोड़ा सा बग्स का मुझे यहाँ पर इशू लगा। ये मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, ऐसा कोई रिव्यू नहीं दे रहा कि फेक रिव्यू है, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू। आप खुद ट्राई करना और मुझे और बताना इसके अलावा आपको क्या बग लगे या फिर क्या इंप्रूवमेंट लगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।